प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन पर एक ओर जहां पार्टी द्वारा अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के युवा आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ट्विटर पर हैशटैग हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और हैशटैग टॉप ट्रेंड में है, वो है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। इन दोनों ट्रेंड के साथ लाखों से ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस क्यों ट्रेंड कर रहा है। पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस हैशटैग के रूप में भारतीय युवा, खासकर भारतीय छात्र, देश में फैली बेरोजगारी के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। युवाओं की इस मुहिम को कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों और अलग अलग संगठनों का समर्थन है। देश में लाखों लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, देश की एक बड़ी आबादी का रोजगार ठप हो गया है। ऐसे में इन युवाओं ने हर साल की तरह इस साल भी मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। देश में बेरोजगारी की बात करें तो देश का हर छठा एजुकेटेड बेरोजगार है। 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया। मोदी सरकार 1% लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई। अभी बेरोजगारी दर पिछले एक साल के उच्च स्तर पर है। सिर्फ अगस्त महीने में ही 20 लाख रोजगार घट गए हैं। देश की स्थिति भयावह है। देश में 20 से 24 आयु वर्ग में 42% युवा बेरोजगार हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना दूंगा, इसके अनुसार 16 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए। लेकिन 16 करोड़ रोजगार तो नहीं मिले, 22 करोड़ आवेदन जरूर आए हैं, उनमें से नौकरियां सिर्फ 7 लाख मिली हैं। ये युवा क्यों मना रहे हैं इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में? मुझे लगता है वो मायूस है। मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे अपनी इलेक्शन रैली के दौरान। उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा, तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। उधर कांग्रेस ने भी सरकार से बेरोजगारी को लेकर सवाल किया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ है, केंद्र और राज्यों में 60 लाख खाली सरकारी पद क्यों पड़े हैं। कांग्रेस ने सवाल किया है कि रोजगार पैदा करने वाले MSME सेक्टर के लिए क्या योजना है। हमारे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वो 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ है? क्या वो हवाबाजी थी, क्या वो जबानी जमा खर्च था? उसके लिए आप माफी कब मांगिएगा? दूसरा, 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अभी मैं निजी क्षेत्र की तो बात ही नहीं कर रही हूं, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर वो क्यों खाली पड़े हैं? तीसरा, बड़ा रोजगार बनाने वाले जो उपक्रम होते हैं वो MSMEs होते हैं, लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, वो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होती है, वो बड़ा रोजगार बनाती है, उनके लिए क्या प्लान है? बहरहाल सोशल मीडिया पर बेरोजगारी को लेकर अलग अलग मीम्स पोस्ट किए जा रहे हैं। कई लोगों ने पीएम मोदी के बर्थडे केक पर बेरोजगारी दिवस लिखा है, तो वहीं कुछ लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिसमें बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से सवाल पूछा गया है।